प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के पैसे का सही उपयोग नहीं किया, जिसका नुकसान राजस्थान में भाजपा को हुआ और लोकसभा की 11 सीटें हार गए। प्रधानमंत्री मोदी भी हमसे बहुत नाराज हुए। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उदयपुर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर तत्कालीन सरकार ने केंद्र के पैसे का सही उपयोग नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा पाप तो ये किया कि पानी ही नहीं था, फिर भी योजनाएं बनाकर पैसे का मिसयूज किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकार को नदियों को जोड़ने का काम करते, पानी का कोई सोर्स तैयार करते और उसके बाद योजना का खाका खींचते। पांच सालों में जो समय पे काम करना था, राजस्थान 34वें स्थान पे था। लगभग 1,00,000 करोड़ के राजस्थान में काम होने वाले थे, उनमें से इन्होंने लगभग 25,000 करोड़ के काम कर पाए। न केंद्र का पैसा पूरा सदियों में कर पाए, न राजस्थान से कोई पैसा मिला पाए। हमारी सरकार आने के बाद में सबसे पहले हमारा लक्ष्य यह था कि जब तक पानी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा पाप ये किया, जब उनके पास पानी नहीं था तो उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया। आज हर गाँव में जहाँ भी जाते हैं, उनके पास सोर्स नहीं था, या तो सरफेस वाटर पर काम करते हैं या जो नदियां जोड़ने पे काम करते हैं। आज 5 साल पहले अगर उन नदियों को जोड़ने का काम करते, पानी के सोर्स डेवलप करते, तो आज हमें वो पानी मिलता। सबसे पहले तो इन्होंने गलती की कि हमारे पास सोर्स नहीं था। सोर्स नहीं था तो आपने स्कीम क्यों बनाई, क्यों दुरुपयोग किया, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मार्च 2024 को वो स्कीम पूरी हो चुकी। उससे भी बड़ा नुकसान ही हुआ राजस्थान के अंदर। उन्होंने गलती की, उसकी सजा में भुगता। पैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और सजा सरकार बदलने के बाद में राजस्थान की जनता ने ये सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं करे। अरे भाई, 5 साल तक आपने काम नहीं किया, मार्च तक हम उसको समझ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार किए उनके ऊपर रोक लगा रहे हैं। यहाँ उदयपुर ग्रामीण के अंदर कोई एक एक्शन ऐसा बैठा था पहले, वो जो दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए, आने के बाद में कई लोगों से जब मैंने बात की, साहब हमारा काफ़ी कुछ सुधार हुआ, उस पर रोक लगाते। हम आचार संहिता में चले गए। आचार संहिता के बाद में जब रिजल्ट आए तो 11 सीटें में जनता ने भुगता। मैंने विधानसभा में बोला कि आप लोगों ने समय पे काम करते हैं, समय पे इस पैसे का सदुपयोग करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। आज उपभोक्ता की जहाँ आपने टूटी लगा दी, उसमें अगर पानी आता तो ये सजा हमें नहीं मिलती, हमारी 11 सीटें गई है।